हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको X6 5G 4 है, तो पोको X6 5G 4 की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह है, तो कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को ब्लैक लिस्ट से आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, और कैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, या फिर नंबर्स को ब्लैक लिस्ट में आप कैसे कर सकते हैं पोको X6 5G 4 में, तो आज हम बताने वाले हैं कि नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कैसे करें और ब्लैक लिस्ट में आप कैसे कर पाएंगे पोको X6 5G 4 में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इसमें से जाना है सेटिंग्स पर, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ऊपर हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स को बैक कर ले रहे हैं, फिर फ़ोन आइकन्स पे चले जा रहे हैं। फ़ोन आइकन्स पे जाकर आप देख सकते हैं कि 3 डॉट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर ले रहा है। और जिस भी नंबर्स को ब्लॉक करना चाहते हैं या ब्लैक लिस्ट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस इस नंबर्स को टाइप करना है। ब्लॉक करने के लिए इस पर चले जा रहे हैं, और जिस भी नंबर्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस इस पर टाइप करके नंबर्स को इस तरीके से 3 टाप कर दे रहा हूँ, नंबर आपके फ़ोन में ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉकेड में शो करेगा। इस तरीके से नंबर्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं और ब्लैक लिस्ट में भी आप कर सकते हैं, या फिर नंबर को ब्लैक लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं तो क्रॉस पे क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो, नंबर ब्लैक लिस्ट से रिमूव हो जाएगा और हट जाएगा। तो इस तरीके से नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो अननोन नंबर्स को इसको ऑन करके ब्लॉक कर सकते हैं, अननोन कॉल्स ब्लॉक हो जाएगी, और इसको अनब्लॉक करना चाहें तो अनब्लॉक भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं पोको X6 5G 4 में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।